हेलो एवरीवन, वेलकम टू शबिस्ता फोन किचन। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी चिकन मलाई कढ़ाई, जिसके लिए हमने 500 ग्राम चिकन लिया है। इसको हमने अच्छे से धोकर रख लिया है। 250 ग्राम दही, 150 ग्राम मलाई ली है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। दो बड़े टमाटर जिसको हमने पेस्ट बना लिया है, 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 मोटी हरी मिर्चें जिसको हमने स्लाइस में काट लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून रेड चिल्ली इसको भी हमने कूट लिया है। ये हमने साबुत रेड चिल्ली ली थी जिसको हमने कूट कर रख लिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा जिसको हमने भून कर और कूट लिया है, 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा इसको भी हमने कूट कर रख लिया है, और ये है 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन मलाई कड़ी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे चिकन के पीसेस, तरह से इसको आराम आराम से डालना है। पानी को हमने सारा सूचक कर दिया था, अगर हम इसको पानी से ऐसे ही निकाल के डालते हैं तो हमारा चिकन ऊपर आने लगता। उसको 2 मिनट तक भून लेंगे। इसको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पे कुटी हुई काली मिर्चें, भुना कुटा जीरा, भुना कुटा धनिया। गैस को हमें मीडियम करना है। इसमें डालेंगे रेड चिल्ली इसको हमने कूट कर रखा था, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट, साथ ही डाल देंगे इसमें ग्रीन चिल्ली। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है। गैस को हमें मीडियम ही रखना है। और इसमें डालेंगे टमेटो पेस्ट और साथ ही डाल देंगे इसमें दही, और इसको हम लगातार चलाएंगे। इसको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर इसको हमने चलाना छोड़ दिया तो हमारा दही फट जाएगा। और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह लगातार चलाते हुए पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम ये मलाई डाल देंगे और कसूरी मेथी। तो हमें हाथ से कैच करके डालना है इस तरह से। इसको हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, ये हमारा बन चुका है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए चिकन मलाई कढ़ाई बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।